कंटिन्यू है हमारा काम, देख लीजिए। जब सफाई स्टार्ट करी है हमने तो सोचा सारी चीजें ही साफ कर ली, और मेरी तबीयत खराब है और जुनेद जब भी सारे काम लेके खड़े हुए हैं। सफाई भी जरूरी है, जाहिर सी बात है हमें इधर ही मूव करना है, इधर ही रहना है, सोना है, खाना है, नमाज पढ़ना है, सो ये भी जरूरी होता है। और जुनेद अल्हम्दुलिल्लाह जब इन सब कामों के लिए खड़े होते हैं तो फिर माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मेहनत से काम करते हैं। और नो डाउट हम लोग बोलते हैं कि सिर्फ औरतें घर संभालती हैं, सजाती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आदमी भी कुछ ऐसे होते हैं। और ये हमारी सुन्नत रसूल है कि अगर मर्द और औरत घर में एक साथ काम कर रहे हैं तो उसमें कोई शर्म नहीं है। ये हमारे साथ कोई इंसिडेंस ही है कि हम लोग के यहाँ रूम में हम सफाई फिनिश करते हैं और बारिशें स्टार्ट होने वाली होती हैं। हाँ, आपके जो फ्रेंड है उन्होंने स्टेटस डाला है कि मंडे ट्यूसडे बारिश है, या आई थिंक अपडेट देंगे। भाई ये मेरे दोस्त हैं अलकौसर फैब्रिक्स वाले, तो उनके पास है मशीन जो कि मौसमियात वालों के पास होती है, और वो खुद भी पेशेंट गोलियां कर रहे होते हैं और अपने स्टेटस पे लगा के लोगों में। यार नो डाउट वो जो बताते हैं कभी कभी हो जाता है, कभी कभी। बाकी जो अल्लाह का हुक्म है फिनिश्ड, एक हो गया, ऑलमोस्ट डन हो चुका है। हमारे क्राफ्ट्स ये सबसे खूबसूरत है, ये फ्लावर्स लोग देखते ही नहीं थे हमारे आर्ट्स एंड क्राफ्ट का। ये मेरा हैंडमेड है अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी मेरा हैंडमेड है। यार ये कहने को तो वॉल हैंगिंग है, एक मिनट आज पे वो कैंडल रखने का है करके दिखाना कैसे जो होता है, लाइक दिस ऑन करके चला दिखाते हैं, अधूरे काम नहीं करते। तो आज सफल हो रहा है इनका कमजोरी की वजह से। ये लेकिन ये प्लास्टर करने का भी लग रहा है, बस इसीलिए लोग नहीं देखते थे, वैल्यू ही गिर गई है। बहुत सी यादें जुड़ी हैं गाइस इन क्राफ्ट से मेरी, ये मेरी स्टार्टिंग है, यानी यूट्यूब का सफ़र जो मैंने स्टार्ट किया था इन क्राफ्ट्स के ज़रिए किया था। देख लीजिए फोटो फ्रेम है, मेरा छोटा भाई है सबसे लाडला, और उसके अलावा इसमें ढूंढने तो मैं भी नज़र आ रही हूँ अपने भाई के साथ कहीं। बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो बहुत याद दिलाती हैं मेरे दोनों छोटे भाई, हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी क्राफ्ट्स हैं, देखिए लैंप्स हैं, वॉल हैंगिंग है, डोर हैंगिंग है, बहुत कुछ है।
बिल्कुल दूसरी चीज़ हमारी कंट्री में ना इसका रुझान नहीं है। वहाँ ये चीज़ें बहुत बनाई जाती हैं, बताई जाती हैं। हमारी उसकी आर्ट की कलाकारी की कहते हैं ना कोई बहुत नहीं है, वैल्यू नहीं है। हाँ। ये नहीं, इंशाल्लाह ये सब चीजें डेकोरेट करेंगे जब हमारा अपना घर होगा। काइंडली आप लोगों से बोलते हैं हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारी मेहनत को समझें कि हम लोग कितनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे। अक्टूबर में हमने स्टार्ट किया था, एक साल हो चुका है। पिछले साल अक्टूबर में, ये अक्टूबर नहीं, पिछले साल अक्टूबर में। और गाइस प्लीज आप लोगों से गुजारिश है, आप हमारी पोजीशन देख सकते हो कि हमारे घर में दीवार, हमें किसी की मदद करें, हम किसी से फंड की उम्मीद नहीं रखते हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक अपना मोहताज रखे, इसलिए मेहनत कर रहे हैं। हमें अपनी मेहनत पे भरोसा है और अपने अल्लाह पर यकीन है। और आप लोगों का थोड़ा सा साथ चाहिए, आप लोग वक्त निकाल के हमारे चैनल को देखा करें, लाइक किया करें, कॉमेंट्स लाजमी किया करें, हमारी मेहनत को समझें, एक दूसरे को मेहनत को समझेंगे तो कुछ बात बनेगी। एहसास से ही एहसास किया जाता है। मुफलिस दोस्त तो हैं हमारे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह वो समझते हैं, क्यों अल्लाह का शुक्र है गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन जो काबिलियत का नतीजा हमें मिलना चाहिए था वो अभी तक हमें नहीं मिल पा रहे। कोशिश पूरी है, मुझे आप यकीन करें गाइस, 99 से मैंने मेहनत करना स्टार्ट की थी, न्यूज़पेपर बेचना शुरू किया था मैंने, फिर मैंने सिटी बैंक में जॉब की, उसके बाद मेरे फादर के साथ जब वो होटल लाइन में आए उनके साथ काम किया, फिर मैंने पिज़्ज़ा हट ज्वाइन किया, फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया 2008 में, 5 साल मैंने वेटर्स किया, उसके बाद फिर मैंने दोबारा खड़े होके वॉकर छोड़ी, स्टिक पे आया, स्टिक छोड़ी, और फिर मैंने पिज़्ज़ा हट दोबारा ज्वाइन किया, फिर कबाब जीस ज्वाइन किया, कबाब जीस में काफ़ी टाइम स्टार्ट किया, उसके बाद भी मैं अपने पार्ट टाइम कबाब जीस में करता था और दिन में मैं अपने फादर की हेल्प करता था। मेहनत से कभी नहीं घबराया, आप लोगों के सामने 40 साल उम्र हो गई है, बात यही है कि उसका नतीजा अभी तक नहीं मिला है। ये देखें कितना प्यारा इन्होंने कार्ड डेकोरेट किया था, ये यादें हमारे साथ जुड़ी रहेंगी हमेशा जो हमने मेहनत की है, और आगे भी हम मेहनत करेंगे आप लोगों की अच्छी गाइडलाइन और दुआएँ। हेलो गाइस, जी गाइस ऑलमोस्ट डन हो चुकी है ये सारी सफाई, और देख लीजिए ब्रश करने के बाद ये जो कचरा होता है बारीक वाला जिन्हें ये देखिए उसे उठा रहे हैं, बिकॉज हमारे कमरे में फर्श भी नहीं है, सिर्फ कारपेट डला हुआ है तो चींटियां भी निकलती रहती हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तेरा लाख शुक्र है परवरदिगार का कि इस वक्त पे हमारे पास ज़मीन थोड़ी सी मौजूद है, ये भी उस मालिक का करम है। यह है कमरा साफ करने के बाद, अब अभी तो फुल भरा हुआ है, आज इसका पंप तो नहीं खराब हुआ। नहीं आ रहा, इतना महंगा है गाइस, ये 800 रुपए का लिया था दोस्त से, वैसे ही 1200 रुपए का मार्केट। और कराची वालों के लिए ये सीरम बहुत जरूरी है। हाँ ना, ये सीरम हेयर के लिए बहुत जरूरी हो गया है। ये सब कराची के ना सड़कों ने हमारा हाल बुरा किया, खर्चा हमारा हो रहा होता है बाइक पे भी, और यानी इसमें हमारा ही कसूर है। साजिश में मैं बता रही हूँ ना, साजिश में शामिल सारा जहां है। गाना इज नॉट अलाउड, इट इज नॉट गाना, ये सिर्फ एक जुमला है। ये वाला हेयर स्टाइल अच्छा है, साजिश में शामिल, लेकिन हम बाइक वाले लोग हैं ना, हमारे बाल फिर यूं हो जाते हैं, यूं ही रहते हैं, टी कू 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 हो जाते हैं, वो बन जाते हैं मोहम्मद अली वाले बाल, चंपू बाइक पे घूमने से। अपने वक्त का लीजेंड थे वो भी, नहीं अच्छे हैं, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ। सो गाइस देख लीजिए, अब हम लोग जाने के लिए तैयार हैं, साइमा पॉली मॉल जा रहे हैं आज, संडे अगेन, संडे है ना जी, क्या हो गया, आई एम रेडी। आइए गाइस नाश्ता कीजिए, ये सुबह का जो नाश्ता है हमने कहा शाम में एक ही दफा चाय पी लेंगे, बच्चन बच्चन बातें बताएंगे।
चले फिर मिलते हैं आपसे। ये क्या डाल रहे हैं आप इसमें? ये जो मेरा रायता होता है वही डाला है। ओके ओके सॉरी, बिरयानी की एक प्लेट लेके आया था बाहर से। ओके हाँ, बेगम को तो मोशन हो रहे थे ना। जी गाइस, अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा आपको हमारी ये रूटीन कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।